इसलिए एकादश इंद्रियों के द्वारा आज भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए जैसे हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, समझो हमारे सारे इंद्रियां आज सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। इसलिए जोर जोर से भगवान का नाम करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा छोड़ करके और ये भारत भूमि मरते जगत में श्री अगस्त
ब्रज के चरणों में बैठ करके ये सत्संग में सुनता हूँ। इसलिए साधारण व्यक्ति की बात छोड़ पार्वती, मेरे लिए भी ये सत्संग दुर्लभ होता है पार्वती। इसलिए सत्संग की दुर्लभ संसारा पार्वती प्रश्न करती है, मेरे सत्संग दुर्लभ ना। देखो अजय प्रभु जी ने अपना घर में सब भक्तों को बुलाया ना, आज एकादशी आओ, भक्त लोग वृंदावन से आए, आज हरि कथा होगा, हरि कीर्तन होगा, बुलाया उन्होंने, दुर्लभ कहाँ है। शंकर जी कहते पार्वती बुलाएंगे तो, लेकिन कोई नहीं है। कहते आप तो यही सारा अति कठिन आई, राम कृपा बिनु आय न जाए। अगर कोई हीरोइन ऐश्वर्या राय आ जाए ना, शाहरुख खान आ जाए, किसको बोलना पड़ेगा, किसको बोलना पड़ेगा वो आए देखने के लिए। इतने भीड़, कोई मेरे को बोल रहे थे शाहरुख खान आ रहा था, दो दिन उसका ट्रेन लेट हुआ, दो दिन तक लोग वहां पर खड़े रहे स्टेशन में देखने के लिए खड़े रहे हैं। इसलिए सिनेमा जाने के लिए देखना आधा घंटा पहले हम जाएंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा ना ब्लॉक में टिकट खरीदी कर दी, क्या देखेंगे हम। कहते हैं नाटक, नाटक मतलब बेकार का, सिनेमा कोई ठीक चीज है। जितने गंदी गंदी चीज देख देख करके और पैसा दे करके अगर नहीं मिलेगा तो ब्लॉक की खरीदी कर दी, टिकट खरीद। नाटक है ना नाटक, हम कहते हैं नाटक कर रहे हो, झूठा है। सिनेमा सही चीज है, वो एक कपड़ा कल्पना को झूठ मूठा बना करके एक रूपक दे दिया, उसी के लिए हम पैसा दे करके पकड़ से फिर गंदी चीज को दे करके और हृदय में सारी बुरी चीज को लेकर घर में आ जाए। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती बोले आब ती सारा अति कठिनाई, आब ती सारा अति कठिनाई, राम कृपा सबके सब थे, लेकिन गोपियां ही जो रास में संगीत
शंकर जी कहते पार्वती ये सत्संग में वही आएगा ठाकुर जी जिसको बुलाएंगे, ठाकुर जी जिसको बुलाएंगे पार्वती वही सत्संग में आएगा। इसका मतलब है आप लोग जो सत्संग में आए ना कथा में आए, भगवान आप लोगों को बुलाए, ठाकुर जी आप लोगों को बुलाया ठाकुर जी, तब भी आप लोग आए हो, कन्हैया बंसरी बजाए, बंसरी की आवाज आप घर में गए और आप लोग ने सारे घर बार छोड़ कर इसलिए ठाकुर जी के आप लोगों के ऊपर में विशेष कृपा है। आप लोगों के ऊपर में इसलिए संतोष आज हम लोगों के ऊपर में भगवान की विशेष विशेष कृपा हमारे ठाकुर जी की है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। भगवान कह रहे हैं प्रभु स्वामी को बोले ब्रह्मांड भ्रमते कौन भगवान साधु संत किसको मिलता है ये कौन कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है कृष्ण स्वयं, ये भगवान कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कलयुग में महाप्रभु है। भगवान कह रहे हैं भगवान कहते हैं जैसे जगत में धूल कण को हम गिन नहीं सकते, जैसे जगत में बारिश का बूंद को नहीं गिन सकते, जगत में कितने जीव है हम उसको गिन नहीं कर सकते। देखो इस तरह देखो एक ग्लास पानी है, एक ग्लास पानी में इतने बैक्टीरिया है कि ये पृथ्वी में इतने इंसान भी पृथ्वी में नहीं है, हम मानते कि नहीं ये बात, इसको अंदर में इतने बैक्टीरिया है ना है, पृथ्वी में इतने इंसान नहीं, उसके हिसाब से इंसान कितने बहुत कम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जैसे धूल को नहीं गिन सकते, जैसे बारिश को बूंद को नहीं गिन सकते, जीव को भी इसमें नहीं गिन सकते, लेकिन इसने किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर को प्राप्त होता है, बड़ी सौभाग्यवान को जिसको भगवान राम अयोध्या वास्तु को समझाते हैं कहते बड़े भाग मां न पावा अयोध्यावासियों को प्रभु समझा रहे हैं। कहते अगर कोई बोले हमने बहुत पुण्य कर्म किया ना, इसलिए ठाकुर जी हमें मानव शरीर दे दिया, भगवान राम कहते नहीं तुम्हारे पुण्य कर्म से मानव शरीर नहीं मिला, कैसे मिला अति हरी कृपा जा करोगी, कभी यहाँ पर जिस चीज को भर में ठाकुर जी की विशेष कोई कृपा हुई तब भी ये मानव शरीर कभी मिलना है, बड़े भाग्य से कर देत ईस बिनु हेतु स नहीं, भगवान राम देत ईस बिनु हेतु स नहीं, बिनी कारण के स्नेह करके कैसे मानव शरीर में दे दिया है, कभी मानव शरीर मिला फिर कैसे ऐसे मानव है देखना तुम जानवर जंगली जैसे अभी उनको सभ्यता में नंगे रहते हैं, उसमें किसी दुर्लभ व्यक्ति आते हैं सभ्यता में, जो सभ्यता में आते ही उसमें भी कुछ लोग तो शास्त्र ग्रंथ मुंह से मानते लेकिन केवल ऊपर से मानते लेकिन पालन नहीं करते हैं, उससे बड़े सौभाग्यवान जी आते हैं कर्म में, करोड़ों करोड़ कर्म में कोई एक व्यक्ति ज्ञान में आते हैं, करोड़ों करोड़ ज्ञानियों में कभी बड़े दुर्लभ व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में आते हैं, बड़े दुर्लभ व्यक्ति भगवान की भक्ति में आते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कल किसको जीवन में साधु समय मिलता है जब जिनकी संसार की बंधन समाप्त हो जाए भगवान और इसी माया के संसार में उसका आनंद नहीं जन्म मृत्यु उसकी समाप्त हो गई तब भगवत इच्छा से उसको जीवन में भक्तों का संतोष को प्राप्त होता है। इसलिए आप रामायण सुने होंगे जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, जब विभीषण हनुमान जी का परिचय हुआ, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है राम के सबसे प्यारे भक्त हैं, तो विभीषण क्या कहता है आज मोय भाव भरोसा हनुमंता बिनो हरि कृपा बिना लई नहीं सकता, जो रघुबीर मोहे अनुग्रह की तो मैं भरस लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की तो विशेष कृपा है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था जहाँ पर चारी तरफ में राक्षस राक्षस और नरभक्षी राक्षस है और उसको बीच में जैसे 32 दांतों को बीच में जैसे विभीषण कहते हैं मैं कैसे रह रहा हूँ,
चारों तरफ में राक्षस राक्षस है और इसको बीच में और सबसे प्यारे भगवान की भक्त हनुमान जी का दर्शन मिलना, ये तो मेरे ऊपर में प्रभु राम की भी विशेष कृपा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवन में जब भक्तों का दर्शन तुम्हें मिल जाए, जीवन में साधुओं का दर्शन मिल जाए, क्या समझना चाहिए, संसार का बंधन और ये जन्म मृत्यु का चक्कर हमें और भटकना हमें नहीं पड़ेगा। अब तो ठाकुर जी अपना चरण हमें बुला रहे हैं, ठाकुर के पास में जाने का भाई समय हो गई है। इसलिए समझो आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, आज हरि के हम लोगों में विशेष कृपा है जो थोड़ी समय हम यहाँ बैठ करके हरि चर्चा और हरि कीर्तन सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। लेकिन अभी कथा से हम क्या लेकर के जाए, कुछ तो लेकर जाए। आप लोग श्रवण कर रहे थे यहाँ पर कली युग केवल नाम अधरा और सुंदरी सुंदरी नर केवल, कम से कम और कुछ लेने का जरूरत नहीं, भगवान की नाम लेकर केवल जाओ है। लेकिन हमारे रूप गोस्वामी एक अच्छी बात कहते हैं कि तो भगवान का जो नाम है सबसे मीठा है, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं। कहते मधुरम कहते थे, देखो मिश्रित मीठा है जिसको जर्दी से कम बीमारी हो जाती है, लेकिन उसको
लेकिन छोड़ना नहीं, उसको चुस्ते रहना, चुस्ते 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 चुस्ते, जब तुम्हारी कड़वापन खत्म हो जाएगा बीमारी, फिर तो मिसुरी इतनी मीठा लगेगा, फिर तो तेरे से छुटेगा नहीं। फिर उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लग रहा। लेकिन वो रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर मीठा नहीं लगने पर भी जोर जबरदस्ती करो, मन नहीं लगेगा लेकिन तब भी जोर करके बैठो, बैठ करके आदर पूर्वक प्रीति पूर्वक एक माला करो, एक माला करो, एक माला करते 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 इतना धीरे 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 जितने भगवान के नाम लेते रहेंगे उतना पाप नष्ट हो जाएगा, उतना हमारी पाप नष्ट होती जाएगी। और जितने पाप नष्ट होती जाएगी भगवान का नाम उतना मीठा लगने लग जाएगा, उतना मीठा लगने लग जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा नाम तुमसे छूटेगा, तुम्हारे नाम नहीं छूटेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब शौच क्रिया जा रहे थे ना, वो जीवा को पकड़ कर रखे थे, उनका एक भक्त था, बोले प्रभु आप ये जीवा को क्यों खींच करके रखे हो? बोले गोपाल ये जीवा मान नहीं रहा है, अभी मैं शौच क्रिया में जाऊंगा तब से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भी ये नाम निकल रहा है जीवा से, ये मान नहीं रहा है। इतने में वो गोपाल ने कहा प्रभु अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेता हो उसको बिस्तर से उठने का हिम्मत नहीं, उसी में टाटी पेशाब कर रहा है, फिर वो क्या करेगा? फिर वो क्या भगवान का नाम करने नहीं लगा पे, क्योंकि बिस्तर में लेटा हुआ। महाप्रभु ये दुनिया को शिक्षा देना चाहते थे, वो इसको द्वारा शिक्षा देना चाहते थे। महाप्रभु ने खुश हो गए, आज से ना तेरा नाम गोपाल गुरु, तेरा नाम गोपाल गुरु, महाप्रभु से पहले ले दिया, आज तो गुरु है। इसलिए भगवान का नाम उठते बैठते सोते हर समय भगवान के नाम को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग भगवान के नाम को लेते 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 जब ये सारे अपराध खत्म हो जाएगा, सारे अनर्थ दूर हो जाएगी, तब क्या होगा? तुम्हारे हृदय में एकदम नाम लेते ही हृदय एकदम पिघल जाएगा, तुम्हारे हृदय आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग जाएगी, रोम रोम तुम्हारी खील उठेगा जब भगवान का नाम तुम ग्रहण करोगे। है जब ये अवस्था आसेगा फिर क्या होगा? बोले हसत यथा, कभी जब हंसेगा कभी जब रोएगा, क्यों हंसेगा क्यों रोएगा क्यों? तो जैसे टीवी में सीरियल आती है ना, टीवी में जैसे सीरियल आती है, उसके हृदय में ठाकुर जी की सारी लीला धीरे 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 उसके हृदय में ठाकुर की सारी लीला प्रकट होने लग जाए। हम कहते हैं ना हमारे बीवी बच्चे इनको लेकर काम रह रहे, संत लोग क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण को मिलता है। इसलिए कोई कोई लोग प्रश्न करते हैं बाबा हमारा तो बीवी बच्चे हम इनको लेकर के संसार में रह रहे, लेकिन तुम्हारे तो कुछ है नहीं, तुम अकेला और दिन भर ये हरे कृष्ण नाम तो मन कैसे लगता है? कोई कोई प्रश्न करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित लोग कह रहे हैं बोले संसार का आनंद आप लोग लेकर रह रहे हो, लेकिन जो भक्त लोग है ना वो भगवान का आनंद को लेकर रहते हैं। वहां पर कहते हैं इसलिए वो हंसते है उनके हृदय उन्होंने लीला कथा सुनाई। क्यों ये भक्त लोग हंसते है? एक समय कृष्णा हर गोपियों के घर में मक्खन चोरी करने भूल जाते हैं। एक गोपी ने सोचा आज कन्या को मैं बांध कर रखती, क्योंकि मैया जसोदा मानती नहीं उसका लाला मक्खन चोरी करती है, माँ को बांध कर रखूंगी और मैया को बुला कर दिखाऊंगी। वो गोपी मटके में मक्खन को रख दी और दरगाह का कोने में चुपचाप बैठी थी। कृष्णा आए इधर देखा इधर देखा कोई गई नहीं, जैसे बिल्ली धीरे धीरे अंदर में चलते कृष्णा अंदर में गए, जाकर तो मक्खन खाने लगी। गोपी कुछ बोली नहीं, क्यों? वो तो कृष्ण के लिए बनाई, भगवान थोड़ी भूखे थोड़ी दुनिया का जो मालिक है वो चोरी क्यों करेगा? दुनिया तो उन्हीं की है, कृष्ण क्यों जाते हैं? क्यों प्रेम से भगवान को बुलाती है, फिर मैया से शिकायत क्यों करती है? वो शिकायत नहीं करती है। वो कृष्ण का दर्शन एक बार दिए, हाँ वो आनंद तो उसको मिला, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं फिर कृष्ण पीड़ा में तड़फड़ाने लगती है, कुछ बहाना बना करके मैया के सुबह घर में जाती है, वो शिकायत करने जाती है। फिर कृष्ण को दर्शन की एक बहाना भी दिए, हैं अभी गए अभी वो गोपी बोली कन्या मक्खन खा ले, फिर उसको पकड़ लो। कृष्ण जब मक्खन खा लिए झट गोली पकड़ ली, बोला अभी खा जाओगे?
आज तेरे को घर में बांध करके रखूंगी, भैया को बुला कर दिखाऊंगी, आ यहाँ पर। कृष्ण बोले गोपी आज छोड़ दे, तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे सास की, तेरे कसम की, तेरे ननद की, आज छोड़ दे, कल से मैं नहीं आऊंगा। बोले नहीं, मैया को आज जरूर मैं बुला करके दिखाऊंगी, चलो। फिर खंभे में हाथ रखे, कृष्ण खंभे में हाथ रखे, अपना चोटी से जो रिबन होता है खुला, खोल कर जो कृष्ण बांधने जाए, भगवान का हाथ तो मक्खन से कोमल था, गुरु जी का हाथ बांधने के लिए जाए तो खिसक जाए, बंधे ही नहीं। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी बंधी गई कि नहीं? बोले कन्हैया तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या? बोले थोड़ी सिखा दे। बोले रख खंभे में, अभी तेरे सिखाता हूँ। वो गोपी खंभे ऊपर हाथ रखी, हाथ रखी तो उन्होंने एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ और दो गांठ अच्छे तरह से कृष्ण बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या? मैं अपना प्रेम रजो में तुम्हारी क्या बात, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषियों को भी अपना प्रेम रजो में बांध देता हूँ। इसलिए भागवत ने बताया आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंध व्यूर क्रमे कुर्बन अहितुकी मुक्ति इथं भूत गुणारी। मतलब है जो बड़े बड़े योगी ज्ञानी जो आत्मा में ब्रह्म में जो रमण करने वाले हैं उनको तो अपना प्रेम रजो में उन्हीं में बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे, वो भी अभी तक तो मैं किसको खोलना नहीं सीखा, सब कुछ मैंने बांधना सीखा है, अभी तक तो मैं किसको खोला ही नहीं। बस कृष्ण ने अंगूठा दिखाया ना, उधर गंजारे हो गए। जब कृष्ण चले गए कभी कब होता, जब भगवान की नाम जप करते हैं, कहते नाम जप करते करते हृदय जब निर्मल हो जाता है, फिर ठाकुर जी की सारी लीला उसका हृदय में एक एक करके उनका सारी लीला उसका हृदय में प्रकट होता है। एक दिन और ये गोपी बोली, बोली ये तो किसी तरह से पता नहीं भाग जाता है, इसको तो घर में तालाब बंद करके है, इसको तालाब बंद करके रख करके मैया बुला कर दिखा। वो गोपी गई थी पानी भरने के लिए, आए तो देखा कृष्ण तो घर में बैठे थे मखन खा रहे हैं, मखन खा रहे हैं। इतने में झट उसने बंद कर दिया दरवाजा, बोले आज मैया को बुला कर दिखाऊँ, तालाब बंद करके चाबी तक लेकर गए, मैया को बुला करके दिखाऊँ। जब घर में पहुंचे ना, देखा मैया उसको घर में बांध करके रखा, ये क्या, उसको तो महीने में बंद करके आया और यहाँ पर घर मैया उसको बांध करके कैसे रखा हुआ, कुछ नटखट कर रहा था उखल में बांधे। बोले ब्रज में क्या कृष्ण दो हो गए ब्रज में। फिर वो आश्चर्य बात दूसरी गोपी को घर में बताने के लिए गई, आज कृष्ण को मैंने दो घर में देखा है, दूसरे घर में तो गए देखा उसको बच्चे को साथ में कृष्ण को खेलते हुए, ये क्या वहां भी है कृष्ण, वहां भी यहाँ भी है कृष्ण। चौथे घर में गई देखा वो गोपी उसको गोद में बैठा कर कृष्ण, अभी जिस घर में जाए ना वो कृष्ण को अलग अलग लीला करते हुए देखे। इतने में तो गोपी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई, ये क्या मैं लीला देख रही हूँ। इतने में कृष्ण कहती है गोपी तुम ये मत सोचो मैं तुम्हारी घर में केवल आती हूँ, नहीं ये ब्रज की हर घर घर में मैं लीला करता हूँ। उसे एक भजन गाते हैं, बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया।
जब भक्त और कृष्ण विरह में बड़े दुखी हो जाते ही विरह में प्राण छोड़ देंगे, फिर कृष्ण दर्शन देते हैं। जब कृष्ण फिर दर्शन देते हैं फिर भक्त हाथ उठा करके नाचने लग जाते हैं। इसलिए ये सब जिसके कैसे होता है, केवल भगवान के नाम से होता है। भगवान के नाम जप करने से सारे फल इसी प्रभु का नाम से होते हैं। नाम को हमें जप करनी चाहिए। ठीक है, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप भी भजन सुनाएंगे। भाव लग रहा है, जो अंग्रेज बोलते हैं तो हम बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे संतों ने अंग्रेजी जब पैदा भी नहीं हुई थी तो उससे पहले से बताया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे हमें बहुत संसार में बहुत सारे दुख हैं, सुख दुख आते रहते हैं। ऐसे टीवी में सीरियल आता है, मूवी आती है, उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, तो ऐसे ही टीवी सीरियल के एडवर्टाइजमेंट की तरह सुख और दुख ये सब चलता रहता है। तो दुख क्यों आते हैं, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं दुखों को, तो इसका तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वो बनाया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को होए। कैसा प्रिवेंशन, कि दुख होगा ही नहीं अगर सुख में सुमिर कर भगवान का नाम लेंगे तो दुख नहीं होगा। तो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा
हरे कृष्णा। अभी हमारा बहुत सौभाग्य है, महाराज जी की कथा धनकोट गांव है, यहाँ सेक्टर 99 में, वहाँ रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पे कथा चल रही है महाराज जी की। अब तो संडे तक कथा है, मंडे को 2 से 5 महीने का समय है, और अभी मंडे से स्टार्ट हुई है कथा, तो संडे तक है, सैटरडे संडे तो सब लोग जा सकते हैं। रघुनाथ मंदिर धनकोट बसई गांव से आगे, बसई गांव से पास ही पड़ता है। हरी बोल। अच्छा, दूसरी बात, कथा 2 से 5 बजे तक है महाराज जी की, लेकिन उसके बाद महाराज जी फ्री होते हैं, तो आप लोग अगर चाहें कि आपका घर भी ऐसे ही पवित्र आनंद में डूबे, तो आप लोग महाराज जी को इन्वाइट कर सकते हैं शाम के टाइम, क्योंकि 5 बजे कथा खत्म हो जाती है, तो महाराज जी 6-7 बजे आ सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं कि महाराज जी आए तो आ सकते हैं, और आप लोग कथा में भी जरूर पधारिए, हमारे प्रभु जी करा रहे हैं, महेंद्र जी हैं जो धनकोट गांव के रहने वाले, और पूरा बहुत अच्छा गांव है, बड़ा सुंदर, इन्होंने का अपना मंदिर है, इन्होंने अपने घर को तोड़ के मंदिर बनाया हुआ है, जिनका पुश्तैनी घर था उसको उन्होंने पूरा करके पूरा मंदिर बना दिया, खुद यहाँ साउथ सिटी रहते हैं, तो इनकी कृपा से कथा हो रही है, प्रभु जी कृपा से इनके परिवार के लोग आए हैं, आप सभी लोग वहाँ पे सादर आमंत्रित हैं, आप लोग जरूर आइए, और फिर शाम को महाराज जी को बुला सकते हैं। हरी बोल। जय जय राधा कृष्ण युगल मेला, जय राधा कृष्ण युगल मेला, आरती करे ललिता दि सखी गण, आरती करे ललिता दि सखी गण, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर सिखी कुछ चूड़ा मनोहर, पीताम्बर सिखी कुछ चूड़ा मनोहर, ललित माधव भवमे विश्वभनु कन्या, ललित माधव भवमे विश्वभनु कन्या, ललित माधव भवमे विश्वभनु कन्या, नील वसन गौरि रूप गुण धन्या, नील वसन गौरि रूप गुण धन्या, हर नानाविध अलंकार करे झलमल, नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल, हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल, विशाखा दि सखी जन नन रागे गा, विशाखा दि सखी जन नन रागे गा, सखी जन नन रागे गा, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे